हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो शायद ये वीडियो को देख के अच्छे हो जाएंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और मैंने सोचा था कि हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बट देन मुझे एवरीडे बहुत सारे मैसेजेस एंड क्वेश्चंस एंड ईमेल्स आती रहती हैं मेरे बारे में पूछने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत सारे दोस्तों को भी कंसर्न है कि उनको भी जॉइंट पेन हो रही है या वो भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनके बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं मुझसे पूछने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं इस पर एक सीरीज किस्म की बनाऊंगी जिसमें अपडेट करती रहूँगी कि फ़िलहाल मेरी कंडीशन कैसी है और मैं मेरी सेहत के लिए क्या कर रही हूँ। और अगर मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे वो मैं उसमें शेयर करती रहूँगी। और आप कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, क्या कौन से योगा पोजेस कर सकते हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपके साथ ही मैं भी कर लूँगी क्योंकि मैं भी आपके जैसी हूँ। सो आज की जो वीडियो है स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिनके पास रूमेटॉइड से लेके क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे सिम्टम्स क्या थे और मेरा डायग्नोज कैसे हुआ और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और मैं कैसे फील कर रही हूँ। इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। अगर आपको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपको स्टिल इंटरेस्ट है तो ज़रूर से देखें। पर ये वीडियो स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए है जो मेरे जैसी जर्नी से गुजर रहे हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं हमेशा इतना तैयार होकर रहती हूँ तो आपको मैं बता दूँ कि तकरीबन ओके, मेरा ये जो रूम है ब्यूटी रूम, इसमें बहुत अच्छी धूप आती है और समय हो चुका है 6:30 और सूरज मेरे घर के सामने आ गया है और यहाँ पे बहुत धूप आने वाली है और लाइट कभी ज़्यादा कभी कम होगी। सो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है क्योंकि धूप की वजह से ये रूम बहुत गर्म हो जाता है और AC इस कमरे में काम नहीं करता है, काम करता है पर इतनी गर्मी होने की वजह से फील ही नहीं होता कि वो काम कर रहा है। सो शुरुआत करते हैं मेरे सिम्टम्स से। अब महीना चल रहा है जुलाई 2020। यहाँ अराउंड जून जुलाई में लास्ट ईयर 2019 में मुझे काइंडा जॉइंट पेन फील होनी शुरू हो गई थी, बहुत ही हल्की फुल्की सी। लाइक जब मैं वॉक करती थी तो मेरा नी लॉक हो जाता था और मुझे टेढ़ा टेढ़ा वॉक करना पड़ता था या फिर अचानक से फिंगर्स दर्द करेंगी, बहुत माइल्ड सी। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती थी। और उन दिनों हम गए थे डिज्नीलैंड किंगडम में, तो मुझे याद है कि मैं वॉक करते करते अचानक से बहुत ही आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती थी, बैठ जाती थी, पर फिर भी बहुत वॉक कर रही थी। जो मेरा नॉर्मल था वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला और सब कुछ कर लूँगी मैं ही खुद, ऐसी किस्म की बंदा था मैं, स्टिल हूँ। सो ऐसे उसको मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि ऐसे ही माइल्ड होगा। फिर धीरे धीरे वो पेन मुझे नोटिसेबल ज़्यादा लगनी शुरू होगी फिंगर्स में, लाइक फिंगर्स में फ़ील होनी शुरू होगी। और मुझे लगता है कि अगस्त का महीना था कि मेरे नीज़ दोनों एक समय ही लॉक हो जाते थे, तो जैसे कोई बहुत ही एज्ड बंदा वॉक करता है मैं वैसे वॉक कर रही थी। और हम लोग बाहर कहीं डिनर करने के लिए गए थे और मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मेरी फिंगर्स में ये वाली जगह पे दर्द रहती है हमेशा, पता नहीं क्यों है, जैसे मैं दबाती हूँ तो अजीब सा फील होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाना कि डॉक्टर को ही पता होगा। और ऐसे मैं बात ही कर रही हूँ तो अचानक से मेरी रिस्ट में पेन शुरू हो गया सडनली। और वो पेन देखते ही देखते इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया। सो वो रिस्ट वाली पेन मेरी आर्म में जाने लगी और जैसे ये आर्म में जा रही थी इस रिस्ट की, वैसे ही इस रिस्ट में भी होनी शुरू होगी। और बहुत अजीब थी और बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। और उसी दिन मेरी पैर में, राइट फुट में, एड़ी में दर्द होना शुरू हो गया और मैं टेढ़ा टेढ़ा वॉक करने लगी। और मेरे हस्बैंड को लगा कि ये शायद गोट हो सकता है और उनके पास कोई टैबलेट थी गोट की और उन्होंने कहा कि वो खा लो, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो खा ली क्योंकि पेन बहुत ही अजीब एंड बुरा था। तो वो खाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं डॉक्टर के पास अगले दिन गई, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या ये वो। मैंने कहा कि मेरी फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दादी दादा नानी नाना किसी को भी नहीं, मैंने नहीं सुनी है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे करते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और देखेंगे कि उसमें क्या आता है। ब्लड टेस्ट वो करते हैं गोट के लिए, यूरिक एसिड करते हैं, कैल्शियम करते हैं, विटामिन D करते हैं, आयरन करते हैं, एंटीबॉडीज़ और रूमेटॉइड फैक्टर, RA फैक्टर और बहुत सारे और बहुत सारे हड्डियों से रिलेटेड सारे मेरे टेस्ट हो गए और सारे नेगेटिव आए। और एक का रिज़ल्ट पेंडिंग था। कुछ दिन बाद अराउंड वीक बाद मुझे डॉक्टर की कॉल आई कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मिले हैं और वो कई रीज़न्स की वजह से हो सकते हैं और शायद कोई रीज़न नहीं भी हो तब भी हो सकते हैं। पर मेरी फैमिली डॉक्टर चाहती थी कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाऊं। और जब मैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास गई तो वो एंटीबॉडीज़ को फाइनल करने के लिए 5-6 और टेस्ट करवाते हैं। तो उन्होंने वो सारे टेस्ट करवाए, वो भी नेगेटिव आए। पर मेरी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि मैं ब्रश नहीं कर सकती थी। लाइक ये फिंगर्स ऐसे बंद करना बहुत पेनफुल हो गया था और बहुत ही वियर्ड था वो। और उन दिनों हिम्मत का स्कूल भी था, तो जब मैं हिम्मत को उठ नहीं पाती थी, मेरी पूरी बॉडी लॉक हो जाती थी। तो मैंने मेरी डॉक्टर को बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हैंड्स में, शोल्डर्स में और पैरों में है। और इसका क्या था कि जहाँ पे भी मेरे दर्द हो रहा है उसी जगह पे दूसरे हैंड में भी होना शुरू हो जाता है, सिमेट्रिकल पेन होती है। तो डॉक्टर ने मेरा करवाया अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे। एंड अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रेसेस मिल गए। लाइक मे एक्चुअली मैं बताना भूल गई कि मुझे है सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है कि आपके मोस्ट ऑफ द टेस्ट नेगेटिव आते हैं, जैसे आरए फैक्टर या बाकी ब्लड टेस्ट या सीसीपी या एंटीबॉडीज़। पर आपका स्टिल डिस्प्ले होता है स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स ऑफ कंसिस्टेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो इसकी वजह से मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे, पर आई स्टिल हैव इट, सो इट्स कॉल्ड सीरोनेगेटिव। मिल गए। लाइक उन्होंने देखा कि मेरी बोन्स की थिनिंग हो रही है। एंड डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझसे मिलने से पहले ही मुझे कहा कि इमीडिएटली दवाई खाना शुरू कर दो। और दवाई उन्होंने मुझे दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्योंकि वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। और वैसे भी हम उस समय में चल रहे हैं जब आपको फैमिली प्लानिंग भी करनी होती है, और इस बीमारी के चलते सब कुछ मुश्किल हो जाता है, इजी नहीं रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी फाइट कर रही है आपकी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए। और फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऐसी दवाई है जो काफ़ी लाइट है, और अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हो तो होपफुली वो उसमें हार्मफुल नहीं होगी। सो अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को सारा कुछ बताना चाहिए कि आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं या आपकी और कैसी चीज़ें हैं, वो उसी हिसाब से दवाइयाँ आपको डिसाइड करके देंगे। कुछ साल पहले के मुकाबले अब बहुत सारी दवाइयाँ हैं और जो कि आपके इस प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं और डैमेज को भी स्लो कर सकती हैं और रिमिशन में हेल्प कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ वो कर सकती हैं कि परमानेंट डैमेज नहीं हो। लाइक अर्लियर परमानेंट डैमेज हो जाता था, लाइक आपके फिंगर्स। अभी उनकी कोशिश है दवाइयों के साथ कि वो नहीं हो। और पर ये या लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, लाइक क्रॉनिक इलनेस है जो लंबा समय चल सकती है। और अगर वो आपको रिमिशन मिल भी जाता है दवाइयों के साथ, आप दवाइयाँ खाते रहें तो आपको कोई सिम्टम नहीं फील होगा। एक वैसा रिमिशन होता है, एक दूसरा ये रिमिशन हो सकता है कि बिना दवाइयों के आपको हो जाए। और या पर इसके दोबारा आने के खतरे रहते हैं, तो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपके शरीर कैसा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपको जॉइंट पेन है और आपकी रूमेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है और आप बहुत स्केर्ड हैं। तो चिंता मत करें, जब तक आप अपने डॉक्टर से मिल नहीं लेते हैं, वो आपको डायग्नोज नहीं कर लेते हैं, तब तक आप ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ही ज़्यादा बुरा होगा। क्योंकि इस बीमारी में स्ट्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन आप स्ट्रेस होंगे, दर्द उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही इंटेंस। पता नहीं, इनका दोनों का काफ़ी ज़्यादा तालमेल है। सो जितना आप काम, अपने दिमाग को खुश और नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही दर्द कम फील होगा। जितना पैनिक है, जितना दुखी है, उतना ज़्यादा वर्स होता रहता है। सो जब तक आपको फाइनल डिसीजन डॉक्टर का नहीं मिलता है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और गूगल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सीधा ही एंड डिजीज़ ढूंढ के दे देते हैं। वो आपको फिर सोच के जितना मर्जी परेशान होते जाओ, और सोच के मैंने आपको बताया कि ये चीज़ और वर्स हो सकती है। सो मैंने दवाई खाना शुरू किया था मिड-नवंबर में, जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे मिलने से पहले ही कहा कि दवाई खाना इमीडिएटली शुरू कर लो। और नवंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दिसंबर में नहीं पड़ा, जनवरी में नहीं, फरवरी में, मार्च में मुझे थोड़ा थोड़ा पेन कम होना शुरू होगा। लाइक डॉक्टर ने कहा था 4 महीने लग सकते हैं इसको शो करने में, रिज़ल्ट। पर ऐसा नहीं है कि दवाई खाने से मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरी बॉडी में दर्द रहता ही है, किसी दिन ज़्यादा होता है किसी दिन कम। और पर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहूँ, नॉर्मल रहूँ। तो मेरा हर दिन दूसरे दिन से अलग होता है और जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत ही पॉजिटिव एंड हैप्पी होती हूँ कि मैं इस दिन में बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ, पर अगले ही पल मैं बिल्कुल डिफरेंट फील करती हूँ और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती मेरी बॉडी में कुछ भी करने की। चाय पीते ही मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ, दोबारा बेड पे लेट जाऊँ और मैं बिल्कुल ऐसे प्लान नहीं कर पाती हूँ कि मैं कल क्या करूँगी, क्योंकि इमीडिएट अगले पल मैंने कुछ अजीब फील होता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम स्प्लिट पर्सनैलिटी के जैसे बिहेव कर रहे हो, पर मेरे हैंड्स में नहीं है। जब मैं उठती हूँ तो मेरे जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि लॉक हो जाता है, वो ऐसे फील होता है कि स्टील की बॉडी है। तो ना आसान नहीं है, पर जब घूमना शुरू कर देती हूँ मैं तो फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तैयार होकर ये करती हूँ वो करती हूँ, मैं तैयार भी हो जाती हूँ और फिर तैयार होकर मैं थक जाती हूँ और फिर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ कि यार आज नहीं, मैं तो कुछ भी हो सकता। सो या दैट्स हाउ आई फील, नॉट नॉर्मल, पहले से बहुत ज़्यादा अलग है, पर या कोशिश कर रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब ऐसे ही रहने वाले हो आप, क्योंकि यू नो इतना आसान नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, बहुत ज़्यादा चिल करते हो, बहुत आपकी लाइफ डिफरेंट ट्रैक पे चल रही है और अचानक से आप बीमार हो जाएं और फिर एक्सेप्ट करना कि अभी मैं ऐसे रहने वाली हूँ, बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि यार नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाए, पर वो इतनी आसानी से अब पता नहीं वो मिलेगी भी या नहीं। सो एक्सेप्टेंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना भी एक्सेप्ट कर लो कि ना हो, ऐसा ही है। सो ग्रेटफुल रहें कि जो पिछला चला गया मेरा सही था, वो अच्छा था, पर इसको एक्सेप्ट करके इसे ही अपनी लाइफ बनाना, जो आसान नहीं है पर हम करेंगे। इट्स वेरी ईजी टू से, बट इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दिस इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट वी कैन डू इट। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, या बट या थिंग्स आर डिफरेंट दैन अर्लियर। सो मैं खा रही हूँ मेरी मेडिकेशन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 5 times a week, और उसके साथ मैं खा रही हूँ टर्मरिक, एंड जो मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो है टर्मरिक, ओमेगा 3 एंड विटामिन D, और बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स मैं खा रही हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें और बहुत सारी आयुर्वेदिक किस्म की चीज़ें। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हम बात करेंगे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में भी। जब आप किसी हेल्थ इश्यूज से डील करते हैं जो क्रॉनिक हो, लंबे समय के लिए चलना हो, तो वो अपने साथ लेके आता है एंग्जाइटी, जिससे मैं डील कर रही हूँ आजकल, और मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर, सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर अगर आप एंग्जाइटी को डील कर रहे हैं, डिप्रेशन को डील कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर सलाह करें, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टिप्स होती हैं। जो मेरी रूमेटोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत डिटेल में बातें करती है कि तुम्हें फ़ील कैसा हो रहा है, तुम्हें एंग्जाइटी तो नहीं हो रही, डिप्रेशन जैसा फ़ील तो नहीं कर रहे। तो फिर मैं उससे अच्छी बातें कर, उससे मैं पूरी डिटेल में बता देती हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। सो अगले एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें अगर आपको कोई फिज़िकल इलनेस है। सो आई होप आपको बहुत सारे आंसर मिल गए होंगे, और मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि गूगल पे ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होंगे, और जितना स्ट्रेस होंगे चीज़ें उतनी वर्स होंगी। डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ दिस? ही इज़ इन बेडरूम। और मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऑलराइट।